तो गाइस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है, पर इस बड़ी सी मूवी फ्रेंचाइजी की सबसे वर्स्ट मूवी है थॉर द डार्क वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, थॉर द डार्क वर्ल्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 18 मूवीज में से सबसे खराब रैंकिंग पर है। और ऐसा होने के कुछ सिंपल रीजंस हैं। एक, विलन यूनिवर्स को अंधेरे में क्यों रखना चाहता है ये बताया नहीं गया। टू, ओडिन के पावरफुल होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और थ्री, मूवी में कैरेक्टर्स के रोल प्रॉपरली नहीं डिफाइंड थे। तो हाँ, ये मूवी ज्यादा तगड़ी नहीं थी, पर तब भी ये मूवी 644 मिलियन डॉलर्स कमा गई। आज हम बात करने जा रहे हैं 2013 में आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 8th मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलन टेलर ने, जिनको जाना जाता है टर्मिनेटर जेनेसिस और गेम्स ऑफ थ्रोन्स को डायरेक्ट करने के लिए। इस मूवी को पहले वंडर वुमन की डायरेक्टर पैटी जेंकिंस डायरेक्ट करने वाली थी, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जेन फॉस्टर का रोल प्ले कर रही नेटली पोर्टमैन ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया, पर अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें काम करना पड़ा। ओरिजिनली इस मूवी में लोकी का कोई रोल नहीं था। इस मूवी का ज्यादातर फोकस मेलेकिथ और डार्क एल्स पर होने वाला था, पर 2012 की द एवेंजर्स की पॉपुलैरिटी के बाद इस मूवी की स्क्रिप्ट को रीराइट किया गया और लोकी का बड़ा रोल रखा गया। मूवी के एक सीन में जहां जेन फॉस्टर थॉर को चाटा मारती है, ये शॉट कई बार शूट किया गया, क्योंकि नेटली पोर्टमैन क्रिस हेम्सवर्थ को बार बार नकली चाटे मार रही थी ताकि क्रिस को दर्द ना हो, पर 30 टेक के बाद वो असली चाटे मारने लगी। साथ ही साथ आगे मूवी में जब जेन लोकी से मिलती है और उसे पंच मारती है, तब नेटली पोर्टमैन टॉम हिडलस्टन को सही में पंच मार देती है, जिससे उन्हें चोट आती है। मूवी में हम लोकी को कैप्टन अमेरिका का रूप लेते हुए देखते हैं। असली में टॉम हिडलस्टन कैप्टन अमेरिका का सूट पहन के क्रिस इवांस की नकल करते हैं, और बाद में क्रिस इवांस इसी फुटेज को देख के टॉम हिडलस्टन की नकल करते हैं। इस सीन को लिखा था एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस वीडन ने। मूवी का प्रोलॉग मिक्सचर था लाइव एक्शन और सीजीआई का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसगार्डियंस और डार्क एल्स के कॉस्ट्यूम बहुत पतले थे, जिनमें एक्टर्स को लड़ता दिखाना बहुत मुश्किल होता, तो इस सीन में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स को ह्यूमन एक्टर्स ने प्ले किया, एक मेलेकिथ, एक कर्स और एक बोर। बाकी सारे कैरेक्टर्स सीजीआई से बनाए गए थे। मूवी में लोकी जिस एसगार्डियन सोल्जर की शक्ल लेके थॉर के साथ जाता है, आगे वही सोल्जर ओडिन को इन्फॉर्म करता है कि लोकी मारा गया। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को डायरेक्ट किया था जेम्स गन ने, ताकि ये मिड क्रेडिट सीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से जुड़ पाए, लेकिन मूवी के डायरेक्टर एलन टेलर इस सीन की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, पर बाद में इस सीन को देखने के बाद उन्होंने जेम्स गन से माफी मांगी। पहली थॉर मूवी और द एवेंजर्स में क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने थॉर लुक के लिए विग का यूज किया था, पर इस मूवी के लिए उन्होंने पूरा साल लेके अपने बाल बढ़ाए ताकि उनका लुक और ऑथेंटिक लगे। इस मूवी में डार्क एल्स एथर के पीछे थे। एल्कमी और मेडिवल साइंस में एथर को एक मीडियम कहा गया था, एक सब्सटेंस जो कि स्पेस में फिल्ड है, और इसी सब्सटेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्पेस में प्रोपेगेट कर पा रहे हैं। हालांकि स्पेशल रिलेटिविटी के डेवलपमेंट के बाद इस थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया। तो क्योंकि एथर डार्क एनर्जी से कनेक्टेड है, इसीलिए मूवी में डार्क एल्स एथर से कनेक्टेड हैं। इस मूवी के लिए 30 हैमर बनाए गए थे, जो कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वेट के थे। मेन हैमर एल्युमिनियम का था, पर स्टंट के लिए सॉफ्ट वर्जन का यूज किया जाता था। हालांकि इन 30 हैमर्स में से सिर्फ 5 ही थे जो कि पूरी मूवी में सबसे ज्यादा यूज किए गए, तो बाकी हैमर्स हमें दे देते। मूवी में डॉक्टर सेल्विक के बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई थी। ये सारी चीजें मार्वल कॉमिक्स के सम्मान में लिखी हुई थी। बोर्ड पर लिखा नंबर 616 कॉमिक्स के मेन मार्वल यूनिवर्स अर्थ 616 के लिए लिखा गया था, जबकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अर्थ है अर्थ 1999। सिमनसन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होमेज है थॉर के कॉमिक राइटर वॉल्टर सिमनसन को। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में एक जगह है जहां सारे डायमेंशंस इंटरसेक्ट करते हैं। इस जगह की रक्षा करता है मैन थिंग। क्रॉस रोड्स अलग अलग दुनिया के इंटरसेक्शन हैं, और द फॉल्ट फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स में एक टीयर है। इस मूवी के डायरेक्टर एलन टेलर के हिसाब से ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन के बाद बिल्कुल बदल गई। उनके हिसाब से स्टूडियो ने इस मूवी की कहानी को बदल दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत बुरा लगा। मूवी में एथर का कलर रेड था, कॉमिक्स में रेड कलर पावर जेम का था, पर एथर के रेड कलर में दिखाए जाने की वजह से जेम्स गन को पावर स्टोन को पर्पल कलर का दिखाना पड़ा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट करने के लिए नेटली पोर्टमैन अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए इस सीन में उनकी जगह क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ एल्सा पेटकी को जेन की तरह दिखाया गया। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे छोटी मूवी है, जो कि सिर्फ 1 घंटे और 52 मिनट की है। ये मूवी शुरू हुई मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, प्लस इस मूवी के साथ ही मार्वल स्टूडियोज का लोगो अपग्रेड होना शुरू हो गया। मूवी में दिखाया गया ब्लैक होल ग्रेनेड बेस्ड है डेप्थ चार्जेस पर, यानी कि अंडरवाटर एक्सप्लोजन। इस इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट ने एक वाटर टैंक के अंदर एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया। तो गाइज ये थे कुछ ऑसम फैक्ट्स थॉर द डार्क वर्ल्ड के। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।